आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वडोदरा शहर में भी चुनावी कार्यालय का आज लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब भाजपा द्वारा अपने पक्ष की मजबूती के साथ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना विजय प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ऐसे में अब हर एक जिला तालुका में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। आने वाले संभावित अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वडोदरा शहर भाजपा ने मानो अभी से ही कमर कस ली है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज प्रदीप सिंह जाडेजा की उपस्थिति में तथा गुजरात विधानसभा के कई नामी नेता, विधायक और अधिकारियों की मौजूदगी में आज ये उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट सहित वडोदरा भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। अयोध्या में रामलला निज मंदिर में प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ना हस्ते विराजमान थया छे। अने आजना दिवसे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सी आर पाटिल साहेबे गुजरातनी 26-26 लोकसभा कार्यालय एक साथ उद्घाटन थाय અને લોકસભાનું ચૂંટણી કાર્યાલય એ પોતાની લોકસભામાં કામ કરતા થઈ જાય એના માટેનું આજનું આ ઉદ્ઘાટનનો કાર્યક્રમ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય જેપી નડ્ડાજી આજે ગાંધીનગર ખાતે કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે અને અહીંયા આદરણીય પ્રદીપસિંહ જાડેજાજી તો સાથે સાથે ભરતસિંહજી પરમાર અને કૌશલ્યા કુંવરબા આજનું વડોદરા લોકસભાના કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન માટે ઉપસ્થિત થયા છે। સૌ કાર્યકર્તા વડોદરા શહેર જિલ્લા એટલે કે લોકસભાના કાર્યકર્તાઓ સૌ આ કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટનમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે। તમામ કાર્યકર્તાઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું।